हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेयर स्टडी पॉइंट में। वेजेस से रिलेटेड टाइम एंड वर्क के सवालों में आज हम लोग वेजेस से रिलेटेड पार्ट टू करने जा रहे हैं, और बेसिक्स में ये पार्ट टू हमारा आखिरी सेशन होगा। इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क में किसी स्पेसिफाइड टॉपिक से नहीं आएगा। पहले हम लोगों ने नॉमिनल सवालों को देखा, फिर इफिशियंसी से रिलेटेड सवालों को देखा, और थर्ड पार्ट हम लोग वेजेस को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग मॉडरेट की ओर बढ़ेंगे। अगर आपने पहला पार्ट वेजेस से रिलेटेड नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का हमारा पहला सवाल क्या है देखते हैं। 7 सवाल हम लोगों ने पहले वीडियो में कर रखा था, आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो पहला सवाल देखो क्या है, बड़ा ही आसान सा सवाल है पहला। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है हमारा पहला नंबर सवाल। बोल रहा है इन अ रेगुलर वीक, एक रेगुलर वीक में देर आर 6 वर्किंग डेज, 6 वर्किंग डे है। फॉर ईच डे द वर्किंग आवर आर 8। ठीक है, प्रत्येक दिन वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटे है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक वीक में कितने घंटे काम हुए, तो तुम क्या बोलोगे, 6 × 8, यहां से आप बोल दोगे कि ये 48 घंटे यहाँ पे प्रत्येक दिन 8 घंटे, तो 6 एक वीक में इतना घंटे हम लोगों ने काम किया। एक आदमी गेट्स 40 पर आवर फॉर रेगुलर वर्क, रेगुलर नॉमिनल काम के लिए 40 रुपए प्रति घंटा, एंड 45 रुपीज पर आवर फॉर ओवरटाइम, ओवरटाइम मिला के 45 रुपीज। इफ ही अर्न्स 10,500 इन 5 वीक्स, 5 सप्ताह में 10,500 कमाता है, देन हाउ मेनी आवर डज ही वर्क फॉर, कितने घंटों तक उसने काम किया। ये अब ओवरटाइम की चर्चा है तो ओवरटाइम कर ही रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रहे 5 सप्ताह में। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि एक सप्ताह में कोई आदमी 48 घंटे काम करता है, तो 5 सप्ताह में कुछ 48 × 5 घंटे काम करेगा, इतने घंटे निकल गए 5 सप्ताह के, और प्रत्येक घंटा मुझे 40 के हिसाब से मिल रहा है, ये मेरा रेगुलर का है। अगर मैं ओवर टाइम करूँ तो मुझे 45 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलेंगे, और मैं कुछ एक्स घंटों तक काम करूंगा तो मुझे 45 एक्स रुपये, और टोटल जो मुझे इसी प्रकार मिला है वो मिला है 10,500। बस इतना ही, तो 5 से काटो 9 बार में, और 5 से काटो इसे 2100। ठीक है, 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 16 बार में, और 3 से काटो 7 बार में, 16 × 4 = 640, और इधर 700, 3x = 700 में 640 चला जाएगा, 60x = क्या बन जाएगा, 20। यानी कि उस बंदे ने 20 घंटे ओवर टाइम करा। बोल रहा है क्या, देन हाउ मेनी आवर डज ही वर्क, कितने घंटों तक उसने काम किया। एक सप्ताह में 48 घंटा, और ऐसा ऐसा 5 सप्ताह तक उसने काम किया, और प्लस 20 घंटे उसने 5 सप्ताह में ओवर टाइम किया, पूरे के पूरे 5 सप्ताह में उसने सिर्फ 20 घंटे ओवर टाइम किया। हो गया 48 × 5 = 240, और 20 ऐड कर दोगे तो 260 घंटा निकल के आ गया यहाँ से। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एक टाइप हमारा ये भी था। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते क्या है। अब थोड़ा सा जो है हम लोग ग्रुप ऑफ वर्क्स की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ आदमी जब काम कर रहा था तो वेजेस कैसे हम लोग। ठीक है, देखो सवाल में क्या, 12 men and 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, 14 दिन में काम खत्म कर, वाइल 8 men and 9 women कैन डू द वर्क इन 16 डेज, 16 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, इफ अ मैन गेट्स 54 per day, अगर एक आदमी को 54 रुपए प्रतिदिन मिलता है, वट शुड बी द वेजेस ऑफ वुमेन पर डे, प्रत्येक दिन वुमेन का वेजेस। तो वेजेस क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो ही होता है ना। वेजेस को किस में बांटते हैं हम लोग, इफिशियंसी के रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक चीज देखो कि 12 आदमी 6 वुमेन किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। उसी काम को 8 आदमी 9 वुमेन कितना दिन में करेंगे, 16 दिन। यही तो, चलो यहां से सॉल्व करते हैं, काटा छाटे करते हैं, 2 से 7, 2 से 8 बार में, और भी काट दो, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 2 से यहां कट गया 4 बार, 7 6 का कितना होगा 42 m, और इधर हो जाएगा 8 4 जा 32, घटा दो, इधर हो जाएगा 36 W, और 7 3 = 21 W। ठीक है, 10 m = हम लोग बोल सकते हैं 15 W, यानी m/W, अगर हम इसे और काट देंगे 3 और 2 बार में, तो ये कुछ हमें 3/2 देगा क्या,
मैंने अभी क्या बोला था, एफिशिएंसी के रेशियो में ना बांटना है, तो 3 की वैल्यू कितना 54, तो 1 की वैल्यू कितना 18, तो मुझे वोमेन का निकालना है, 18 गुने 2 कितना हो गया 36 रुपये। तो एक वोमेन को इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर जो हो गया वो हो गया, एक वोमेन को 36 रुपये पर डे मिलता है। ठीक है, जस्ट इफिशियंसी के रेशियो में बांट देना है। सारा चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, अगर तुम डायरेक्ट सेकंड वीडियो को देख रहे हो तो फर्स्ट वीडियो जाके पहले एक बार देख लो। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो और मजेदार है। इफ द वेज ऑफ 45 वुमेन अमाउंट्स टू 15525 इन 48 डेज। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि टोटल वेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेज इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। ठीक है, तो 45 वुमेन है 48 दिन में, मैंने बोला 15525 काम करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 16 डेज, कितने आदमी 16 दिन तक काम करें, मैंने बोला एक्स मैन, आदमी है, ध्यान रखना यहां पे वुमेन था यहां पे आदमी हो गया। ठीक है, तुम डायरेक्ट नहीं काट सकते हो वुमेन को मैन से। ठीक है, एक्स मैन 16 दिन तक काम करेगा और टोटल कितना काम करेगा, 5750 या यूं बोलो 5750 रुपीस का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैंने समझा रखी है तुम्हें पहले। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द डेली वेजेस ऑफ अ मैन, एक आदमी का डेली वेजेस जो है वो वुमेन का क्या है, डबल है। मतलब वुमेन अगर एक होगा तो मैन का कितना होगा दो। ठीक है, तो वोमेन के स्थान पे हम लोग यहाँ पे एक दे देते हैं और मैन के स्थान पे हम लोग यहाँ पे दो, जस्ट इसी को काटना छाटना है ना मेन हमारा। 575 से काटोगे तो ये तुम्हें यहाँ पे 10 बार में कटेगा, इसे डायरेक्ट काट दो तुम, ये तुम्हें कटेगा यहाँ पे 27। ठीक है, कितना कटेगा 27 बार। चलो अब आगे बढ़ो, देखो कैसे 27 ये भी जान लो कि रीजन क्या है मेरा 27 पकड़ने का। ठीक है, सबसे बड़ा चीज देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हें दो नंबर्स पे चेक करना है। ठीक है, मेरी तो थोड़ी प्रैक्टिस है, मुझे तो ये भी पता है कि 15225 जो है, 15525 जो है 25 का क्यूब। ठीक है, जैसे तुम्हारा काटना है वो तुम्हारे काटने के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सा एक चीज देखो, इधर है तुम्हारा लगभग में 6000 के आसपास और इधर है तुम्हारा 16000 के आसपास। ठीक है, तो 6000 में 3000 गुना 3 times लेके चलोगे तो तुम्हारा वो कुछ करीबन 18000 के आसपास देगा। ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है, उससे कम जाना है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पे 5 आएगा, तो वो ऑड नंबर ही होगा, 29 27, ये सारा खेलते चले जाओगे। अब एक चीज देखो, 29 क्यों नहीं मैं पकड़ूंगा, क्योंकि 29 से नीचे ऊपर कहीं पे भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे 29 को मैं चेक भी नहीं करूँगा, डायरेक्ट 27 को चेक करूंगा पहली बार में और वो कट जाएगा, और ये सब नंबर्स रिपीटेड होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। काटो यहाँ से, 2 से कट गया 5 बार में, 16 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 9 बार में, 9 से कट गया 5 बार में। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 25, यानी मुझे कितने आदमी चाहिए, 25 आदमी चाहिए, और इस पर्टिकुलर सवाल का हमारा जो जवाब है वो है कितना, 25 आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है सवाल, अनु एंड हर फ्रेंड राधा अंडर टूक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1800। देखो ये पर्टिकुलर सवाल मैंने क्यों पकड़ा है, मैंने ऐसा ही एक सवाल जो है आगे भी पढ़ा। ठीक है, देखो मैं सवाल पहले पढ़ देता हूँ। पहले क्या बोला, अनु अलोन कैन डू इट इन 12 डेज, अनु अकेले 12 दिन में करती है, राधा इन 18 डेज, राधा 18 दिन में, विद द असिस्टेंस ऑफ रमा, रमा के असिस्टेंस, मतलब तीनों मिल के अगर करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में। ठीक है, अब इसी में से किसी तीन में से एक का शेयर पूछेगा। देख लो एक और सवाल मैंने यहाँ पे इसके बाद रखा है, ए और बी के लिए टाइम पैसा अलॉटेड है, ए का टाइम मालूम, बी का भी टाइम मालूम, सी के मदद से वो काम को खत्म, लेकिन दोनों को बनाने का जो नजरिया है ना वो हम लोग का बदल जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल हमारा ट्रिकी होता है जिसको हम एक लाइन में आंसर दे सकते हैं या यूं बोले मुंह पे आंसर दे सकते हैं, इस सवाल को तुम मुंह पे आंसर दे सकते हो, लेकिन इसके जैसे और सवाल आएंगे तो उन्हें मुंह पे नहीं दे सकते। क्यों, रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि उसने पूछा क्या है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसने पूछा क्या है उस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमें मालूम है कि टोटल 1800 का काम है।
अगर अन्नू अकेले करे तो 12 दिन में कर देती है, और राधा अकेले करे तो 4 दिन में, और तीनों मिल के करें तो कितना दिन में? 4 दिन। अगर मैं टोटल वर्क एक मान लूं, टोटल वर्क कितना मान लूं? एक मान लूं, तो अन्नू की इफिशियंसी कुछ 1/12 होगी क्या? ये यूनिटरी मेथड है हमारा टाइम इन वर्क को बनाने का, लेकिन इसे कोई यूज नहीं करता। थोड़ा सा इसको भी समझो। अगर मैं टोटल वर्क 1 मान लूं तो अन्नू की इफिशियंसी जो होगी वो कितनी होगी? 1/12 होगी। अच्छा, तीनों मिल के अगर 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं तो 4 दिन में इन 4 डेज अन्नू ने कितना काम किया होगा? कुछ 4 × 1/12 काम करा होगा अन्नू कितना काम हो गया? 1/3। शायद तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि जो बंदा जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। अगर इसने 1/3 काम किया तो 1800 का इसे 1/3 रुपया मिलेगा, जो कि कितना दे देगा? 600 दे देगा। हो गया आंसर। ये कहाँ कहाँ लगता है अब ये जान, ये उन सवालों पे लगता है जिसमें हमें पहले दो फ्रेंड का दिया हुआ, मतलब जिनका एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ हो हमारा कि अकेले काम करने में उन्हें कितना दिन लग रहा है उनका, मतलब हम लोग अन्नू और राधा का डायरेक्ट निकाल सकते। लेकिन अगर इसी में रमा का पूछ देता तो हमें पूरा सॉल्व करना। ठीक है, पूरा सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? कि हम लोगों ने यहाँ पे अन्नू का लिख दिया कितना दिन में करती है? 12 दिन में। राधा का लिख दिया 18 दिन में, और अन्नू, राधा और रमा, ठीक है, इनका लिख दिया 4 दिन। टोटल ले लिया हम लोगों ने 36, 12 से 3, 18 से 2 बार में, और 4 से 9 बार। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, यहाँ से रेशियो निकाल लो तो रेशियो आ जाएगा 3:2:5, सॉरी 3, 2, 5 और 4। ठीक है, 3:, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया लग रहा है, कहीं पर कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखो मुझे निकालना किसका है? अन्नू का निकालना है ना। अन्नू कितना है यहाँ पे? 3 है, यानी कि क्या लिखोगे? 3/9। फिर वही आना है तुम्हें, 3 से 3 बार आ गया क्या? तो ये चीज को याद रखना कि जब भी मुझे अन्नू या राधा का इस टाइप के सवाल में निकालने देगा तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लेंगे। खाली ईमानदारी से मुझे ये बताना अपने दिल पे हाथ रख के, क्या तुम इसे मुंह पे नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, आवाज यही है। ठीक है, गारंटी है। चलो, सेम सवाल मैंने बताया था कि 450 रुपया टोटल काम का है, ए उसी काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन। ठीक है, बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 40 दिन में, और सी के मदद से, यानी ए बी और सी मिलके करता तो 8 दिन में करता। ठीक है, यहां से टोटल काम में 40 मान लूं, 20 से 2, 40 से 1, 8 से 5। क्यों मैं ऐसा यहां पे कर रहा हूं? क्योंकि मुझे किसका निकालने के लिए बोला है? सी का निकालने के लिए। अगर यही ए या बी का बोलता मैं वैसा ही डायरेक्ट कर देता। ठीक है, 8/20 ए के लिए, 8/40 बी के लिए, लेकिन यहां मुझे क्या निकालना है? सी का निकालना। तो अब यहां से डायरेक्ट सी का इफिशियंसी देखो, 2 और 1 कितना? 3। 5 में 3 चला गया तो कितना? 2, और 5 दिन में वो कितना काम करेगा? 2/5 काम करेगा, गुने में 450। ज्यादा हर बार मेहनत नहीं करना है, 180 आंसर। ये नहीं कि हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं यहाँ पे 2:1:2, और फिर यहाँ से 2, उसके बाद फिर लिखेंगे 2/2, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट करके निकल जाना है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो हर चीज डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चल एक और सवाल करो। देखो ये सवाल जो है हम लोगों ने पिछले सेशन में भी देखा था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे जो है ट्विस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे ट्विस्ट है। एक चीज यहाँ पे देखो, पी क्यू आर आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क ₹4,1500। ये 1500 नहीं है, इसे सुधार लेना, ये है 1530। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं मैं इसे थोड़ा सुधार देता हूँ, ये है 1530। ठीक है, टोटल काम हमारा, मतलब टोटल पैसा जो है वो 1530 है। ठीक है, अब क्या बोला हमको सवाल में कि पी और क्यू से सपोज करा गया कि वो करेंगे कितना? 7/17। ठीक है, सिमिलरली क्यू और आर से सपोज करा गया वो करेंगे 35/50। ध्यान होगा तुम्हें इसके पहले वाले सवाल में
मैंने बताया था कि ये डिनोमिनेटर 23 23 वहां पे 23 था वैल्यू इक्वल, तो नहीं है तो क्या हो गया, कौन सा रॉकेट साइंस हो गया? अब हो गया इक्वल, मैं बोलूं पी और क्यू ने 21/51 काम किया, क्या फर्क पड़ गया? फिर फर्क पड़ गया। तो इसके हिसाब से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सपोज कर लेंगे कि पी क्यू और आर मिल के टोटल जो है 51 काम करते हैं, दिस इज ऑल्सो अवर टोटल वर्क। तो पी क्यू मिल के कितना करेंगे 21 करेंगे और क्यू आर मिल के कितना करेंगे 35 करेंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये शायद हमें पी टू क्यू और प्लस आर देंगे, कितना दे देंगे 56 दे देंगे। इन दोनों इक्वेशन के मदद से हम क्यू की वैल्यू 5 ला सकते हैं। हमें पी का निकालना है ना, हाउ मच पी शुड बी पेड। तो क्यू जब 5 आ गया तो पी का कितना आ जाएगा 21-5 यानी कि कितना 16 हो गया। अब बांट दो, 51 टोटल काम है जिसका रुपया में वैल्यू है 15300, तो मुझे कितना का निकालना है 16 का निकालना है। 15300 बटे में 51 और गुने में 16, 51 से ये कटेगा 3 बार 300, 16 से ये का सॉरी कटेगा नहीं 16 लिख दे रहा हूँ, 16 गुने 3 कितना 48, देख लो कौन सा ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, 4800 ऑप्शन नंबर डी में एग्जिस्ट कर रहा है, यही हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर ये बैलेंस नहीं है ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट बैलेंस नहीं है तो हम लोग बैलेंस करके इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी जो कि सही है ही नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, ये सब प्रीलिम्स के लिए एकदम फेवरेट सवाल है। ठीक है, ये सब एकदम ध्यान में रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, आज का सेशन जो है हम लोगों का वो यहीं तक है, ये एक सवाल तुम्हें मैंने बोनस में दे रखा है, मैंने सबको बताया है, अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देख रखा है तो आप ये सवाल को बना के मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नन ऑफ दिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है आंसर, आप कमेंट में बताएंगे, मैं हर एक कमेंट जिनका भी आंसर आएगा हर एक कमेंट का सही है गलत है मैं बताऊंगा। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो। वेजेस का ये आखिरी सेशन था, अब हम लोग मिक्सचर में सवालों को उठाएंगे और मॉडरेट सवालों को लेके आएंगे। पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी हम लोग किसी और चैप्टर की ओर चलेंगे, फिर से मैं मॉडरेट का सिलसिला लेके आऊंगा, मैं बता दूंगा कि ये मॉडरेट का सिलसिला है, पहले आप खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस करके रखेंगे ताकि मॉडरेट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ हम लोग जो है मॉडरेट जब चलेगा हम लोग तो किसी एक और टॉपिक को भी हम लोग साथ लेके चलेंगे, क्या है कि अगर किसी एक टॉपिक को ही मैं पढ़ाता रहूंगा 10 दिन तक तो आप भी थोड़ा बोर हो जाओगे, ऐसे ही लॉकडाउन का समय चल। ठीक है, तो वीडियो देखते रहना है, शेयर करते रहना है, यहाँ तक सुन लिए हो तो लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब करते रहना है। मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।